आज इस खबर में हम बात करेंगे बिहार में मौसम के बारे में। 17 जनवरी से सर्दी की सेकेंड वेव आने वाली है। 31 दिसंबर तक प्रचंड ठंड पड़ने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों में ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि ठंड के साथ साथ सुबह थोड़ी सी धूप देखने को मिल सकती है, जहां धूप की वजह से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सेकेंड वेव आते ही एक बार फिर ठंडी हवाएं हड्डियां कपकपाने वाली देंगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिहार में प्रदूषण के कारण ठंड का प्रभाव काफी देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार बताते हैं कि इस बार हवा के प्रभाव कम होने के कारण बारिश कम हुई है। इस कारण से ठंड का प्रभाव और समय काफी लंबा हो गया है। दिसंबर और जनवरी में बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं होने से वातावरण में 2.4 के साथ अन्य पार्टिकल की मात्रा बढ़ जाती है। प्रदूषण के कारण ही फॉग तेजी से बढ़ता है। इस बार ऐसा ही हो रहा है। बारिश नहीं होने के कारण फॉग की स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। अगर प्रदूषण नहीं होता तो ठंड में ऐसी स्थिति नहीं होती। दोपहर 12 बजे तक कोहरे का प्रभाव नहीं होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब बारिश होती है तो डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, इससे बड़ी राहत होती है। प्रदूषण नहीं होता है और फॉग नहीं बनता है और जल्दी हट जाता है। वहीं आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर बताते हैं कि ठंड की साइकिल होती है। मौसम विभाग ठंड का सीजन जनवरी और फरवरी को मानता है। इन 2 माह में ही सर्दी होती है। अगर दिसंबर में या फिर जनवरी में बारिश हो तो कोई कोहरा छट जाता है, धूप से राहत होती है। इस वर्ष ठंड में हालत पूरी तरह से अलग है। फॉग नहीं छट रहा है और जिससे ठंड का प्रभाव अधिक देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड का वेव जनवरी में 2 बार और फरवरी में 2 बार आता है। अमूमन 15 दिन के साइकिल होती है। जनवरी में एक वेव पूरा हो गया है, अब दूसरा वेव 17 जनवरी से आने वाला है। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार के मुताबिक मौजूदा समय में न्यूनतम तापमान का सामान्य में 9 डिग्री होना चाहिए, वहीं 6.2 डिग्री तक पहुंच गया है। अधिकतम तापमान को सामान्यतः 20 डिग्री होना चाहिए, जो कि फिलहाल 14 डिग्री पहुंच गया है। अधिकतम तापमान में -5.6 डिग्री की गिरावट हुई है। इसी तरह न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री की गिरावट देखी गई है। वहीं मौसम विभाग ने परिवहन और विमानन के लिए भी अलर्ट जारी किया है। हवाई अड्डे पर सुबह के समय में दृश्यता 100 से 1000 मीटर के बीच रहने की संभावना है। खुले क्षेत्रों में सतह का तापमान 5 तक गिर गया है। इस कारण यात्रा में समस्या आ सकती है। इसके लिए सुरक्षा को लेकर उपाय किया जाना चाहिए। पूर्वानुमान के मुताबिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि राज्य में आने वाले ठंड का प्रभाव 2 तरह से हो रहा है। एक तरफ कोल्ड डे है तो दूसरी तरफ कोल्ड वेव पड़ रहा है। जनवरी में ऐसे ही मौसम बना रहेगा। सुबह के समय कोहरा पूरी तरह से छाया रहेगा और हवा में कनकनी बढ़ती रहेगी। ठंड के दूसरे स्केल में फिर से पटना के साथ जिलों में बढ़ जाएगी। इस दौरान कोहरा परेशान करेगा। 17 जनवरी से तापमान पूरी तरह हड्डियां कपकपाने वाली हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग द्वारा अनुमान लगाया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोकआवाज़। धन्यवाद।